मेरा नाम शीरीन फातिमा है। मैं कक्षा तीसरी आ की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है स्वार्थी मित्र। एक था रोहन, एक था सोहन, रोहन सोहन दो मित्र थे। एक बार वो दोनों जंगल में घूमने के लिए गए। जंगल में एक भालुआ पहुँचा। रोहन झट 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 पेड़ पर चढ़ गया, सोहन बेचारा नीचे ही रह गया। सोहन जमीन पे सांस रोककर लेट गया। भालू आया, भालू ने सोहन के कान में कुछ कहा और सुनकर चला गया। जब भालू चला गया तब रोहन नीचे आया। नीचे आके रोहन ने पूछा, सोहन भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सोहन ने कहा, स्वार्थी मित्र से दूर रहना, भालू मित्र से ये कह रहा था धन्यवाद।